अगर आपको खतरनाक हॉरर थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम ऐसी ही एक हॉरर थ्रिलर मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। स्पीक नो इविल ये एक बहुत ही डार्क और इंटेंस ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में आपको कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स देखने को मिलते हैं जो काफ़ी डार्क है। मूवी में एक फैमिली छुट्टी के दिन दूसरे फैमिली से मिलने जाती है। यहाँ पर आने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मूवी में आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस सिचुएशंस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आप मूवी के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो। डायरेक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट्स बिल्कुल परफेक्ट है, जैसे एक डार्क हॉरर मूवी के होने चाहिए। तो दोस्तों, मोस्टली ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है जिसका ड्रामा काफ़ी डिस्टर्बिंग और डार्क है। परफॉर्मेंसेस बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि सिर्फ परफॉर्मेंसेस की वजह से ही आप इतना टेंशन फील कर पाते हो। कैरेक्टर्स भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिनके साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हो और उनके लिए आप केयर भी करते हो। ये एक स्लो बर्निंग मूवी है, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। शुरुआत में आपको काफ़ी मज़ा भी आता है और आप ये भी सोचते हो कि ये फैमिली कितनी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपको कुछ गड़बड़ लगती है और यही इस मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। धीरे धीरे सब कुछ अनकंफर्टेबल होने लगता है और सब कुछ आपको अजीब लगने लगता है। यहीं पर यह मूवी काफ़ी डार्क और सीरियस भी हो जाती है, तो अगर आपको ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है तो यह तो आपको काफ़ी पसंद आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसी मूवीज़ पसंद नहीं आती जहाँ पर कैरेक्टर्स अजीब तरह से बर्ताव करते हैं, तो शायद ये भी आपको पसंद नहीं आएगी। मूवी का एक निगेटिव पॉइंट ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पर आपको यह समझ में नहीं आता कि आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत समझ में तो आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इसका रीज़न क्या है। और कहीं ना कहीं पर यह मूवी 100% कंक्लूजन पर भी नहीं पहुँचती। कैरेक्टर्स इसमें जो डिसीजन लेते हैं वो भी शायद आपको इतने पसंद नहीं आएंगे, लेकिन जो मम्मी का कैरेक्टर है वो आपको बहुत बढ़िया लगेगा। मूवी में हल्के फुल्के ही निगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन मूवी इतनी अच्छी है कि उनके बारे में आप भूल जाते हो। सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया है और इसमें आपको कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा म्यूजिक भी काफ़ी अच्छा है और स्क्रीन प्ले भी मुझे पसंद आया। हिंदी डबिंग मुझे पसंद आई और इसमें कुछ नॉर्मल एडल्ट सीन्स भी है। प्रो ऑडियंस को भी ये पसंद आएगी और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ बहुत ही अजीब देखना चाहते हो तो आप इसे ज़रूर देख सकते हो। मैं इस मूवी को दूंगा 7/10। इसके अलावा मैंने गॉडज़िला एक्स कॉन्ग मूवी का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो।